हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं दिल्ली के कुतुब मीनार में। ये जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब मैं, मेरी मम्मी और मेरा फ्रेंड यहाँ घूमने आए थे। देखिए, मैं आपको अब कुतुब मीनार को अच्छे से दिखाता हूँ। जो जो मैंने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर पाया उसको मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बनाया है। ये मेरा फ्रेंड है और हम लोग सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और देखिए, अभी मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास के नज़रिए से देखें कुतुब मीनार को, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हुआ है। 1158 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और 1215 के आसपास में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के काल में ये बनाया गया चीज़ है। ये बनाया गया था ताकि वो अपने शासन को देख दिखा पाए, अपना वर्चस्व दिखा पाए, डोमिनेंस दिखाने के लिए ये कुतुब मीनार एक पिलर बनाया गया था। अब इसके इतिहास से ज़्यादा घुसने की क्या आवश्यकता है, आप वीडियो को इन्जॉय करिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर इसको सजाया गया है और काफ़ी अच्छा गार्डन था यहाँ पर, और इतना अच्छा मौसम भी था, काफ़ी धूप था और हवा भी चल रहा था और काफ़ी सुकून था, बहुत शांति था वहाँ। टूरिस्ट लोग आए हुए थे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अब इसमें बारीकियों को देखिए, कितना बड़ा ये पिलर है, समथिंग 73 मीटर का ये पिलर होगा और इसको कितनी बारीकी से बनाया गया है आप देख सकते हैं। इसके डिज़ाइनिंग को देख सकते हैं, इसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए कि सिर्फ कुतुब मीनार जाना जाता है कि कुतुब मीनार के पिलर के, लेकिन कुतुब मीनार के आसपास भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे चीज़ें हैं, टूटे हुए मीनार हैं, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पर कुछ इतिहास की बातें लिखी गई थी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ बाहर में एक टिकट काउंटर होता है, वहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो 40 रुपये समथिंग, और अगर आप फॉरेनर हैं तो 600 रुपये तक भी लग सकता है। अब देखिए इसमें कि यहाँ पर कितने सारे लोग थे, और इसका लोकेशन देखिए कितना भव्य लोकेशन है। और इसके ऊपर से तभी एक एरोप्लेन जा रहा था, उसका मैंने वीडियो ले लिया था। देखिए ये कितना सुंदर लोकेशन यहाँ पर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ का जो चट्टान है, पत्थर है, कितने बड़े बड़े पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी सारी भीड़ थी, कितने सारे लोग थे यहाँ पर घूमने आए थे। काफ़ी धूप भी था, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन मौसम बहुत साफ था, फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट टाइम था। अगर आपको कुतुब मीनार जाना हो तो आप जा सकते हैं पूरे फैमिली के साथ, बहुत अच्छी जगह है, देख सकते हैं। पुराने ऐतिहासिक चीज़ों को देखना चाहिए और इसके इतिहास से संबंधित बातों को भी समझना चाहिए। देखिए इसके लोकेशन को देखिए, कितना अच्छा है। और यहाँ पर ये काफ़ी टूट भी गया है, कई जगह पर टूटा हुआ भी था, क्योंकि काफ़ी पुराना है। आप समझ सकते हैं कि 800-900 साल पुराना है, दिल्ली सल्तनत के काल का ये किला था, मॉन्यूमेंट था, जो कई जगह अर्धनिर्मित भी है, आधा अधूरा बना हुआ है। अब इसे चट्टानों को देखिए, कितनी मजबूती से ये बना हुआ है। यहाँ पर कई जगह पिलर पर लिख करके, पत्थर पर लिख करके लगा दिया गया है, ताकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है इतिहासकारों, इतिहास में कि क्या यहाँ घटना है या किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके बारे में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लोकेशन है। ये अभी देखिए फ़ोटो खींच रहा था और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसे पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये, जब कुतुब मीनार से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बगल में एक ऐसा किला भी मिलेगा जो कि ध्वस्त हो चुका है, टूटा हुआ है, लेकिन अभी भी देखने लायक अच्छा है, माहौल है। और इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा किला था जो कि टूटा हुआ है, अर्धनिर्मित है। हम लोग ने काफ़ी वहाँ मस्ती की, फ़ोटो खिंचाए, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए वहाँ एक ब्रिज है छोटा सा, ये शायद बाद में बनाया गया हो आदमी का आवागमन के लिए। यहाँ देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे, टूरिस्ट भी थे, बाहरी विदेशी भी थे, भारतीय भी थे। इसी तरह के वीलॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और देखते रहिए इस चैनल को, अभी आर्ट सेक्शन को। धन्यवाद।